बाकी की जो जानकारी है अब ये आपको बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में, इस ट्रैक्टर में क्या फीचर्स हैं, क्या कीमत है, किसान क्यों इस ट्रैक्टर को कंसीडर करें, ये सारी सीधी सारी जानकारी मनोज जी देंगे आपको। धन्यवाद सुधीर जी एंड ललित जी, हम आपको इस फॉर्म ट्रैक जो शार्ट आपके सामने दिख रहा है, हम इसके बारे में आपको इस ट्रैक्टर के बारे में पूरा रिव्यू देंगे और कैसे ये मतलब किसानों के लिए बेहतर हो सकता है वो चीज़ें भी हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे ताकि हमारे किसानों तक एक अच्छा ट्रैक्टर जो है वो पहुँच सके। तो हम आपको सबसे पहले ये बात करेंगे, जो हमारे पास आपको मॉडल सामने दिख रहा है आप देख रहे हैं फॉर्म ट्रैक शार्ट EPI क्लासिक प्रो के नाम से आता है जो कि पूरे 55 HP में आएगा। ये ट्रैक्टर जो है किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। जैसे पहले हमारा फॉर्म ट्रैक शार्ट आता था वो 50 HP में आता था, 14 और 28 के टायर में आता था, लेकिन कंपनी ने हमारे इस चहेते मॉडल को थोड़ा सा अपग्रेड किया है और इसी में ज़्यादा फीचर्स के साथ ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी जो है ऐड कर दी गई है जो कि आप पूरे 55 HP में आता है, जिसमें आप भारी से भारी बड़े काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ अब सबसे पहले बात करूँगा कि जो इंजन है ये पूरे 55 HP का इंजन है, 3510 CC का इंजन आता है। 3510 CC यदि श्रेणी में आप जैसे बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है अपनी श्रेणी में 55 HP में। अन्य ट्रैक्टर कंपनियों में देखा जाए तो किसी में 3000 का आता है, 3100 CC का इंजन आता है, मतलब मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करूँगा, बट इसमें देखा जाए तो अपनी श्रेणी में काफ़ी सबसे बेहतरीन CC का इंजन दिया जाता है जो सारे कामों में सक्षम बनाता है। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा इसमें माइको बॉस का पंप दिया जाता है। माइको बॉस का पंप जनरली देखा जाए तो सबसे बेहतर माना जाता है और इसमें हम इनलाइन पंप देते हैं, इनलाइन पंप जो हमारे ट्रैक्टर को पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री बनाता है और जो है लो मेंटेनेंस होता है। इसमें हमने इसलिए माइको बॉस का पंप का यूज़ किया है। पंप को हम मेंटेनेंस फ्री बनाने के लिए वाटर सेपरेटर देते हैं। ये हमारा जो वाटर सेपरेटर है इसमें ये आप देख सकते हैं एक यहाँ पर रिंग लगी हुई है। ये रिंग जो होती है जब इसमें हम लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें क्या वेपराइजेशन के कारण उसमें वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं टंकी में जो है जमा हो जाते हैं और जो वो जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडे होते हैं तो हमारे क्या डीजल टैंक में ऐड हो जाते हैं। अब वही पानी अगर हमारे टैंक के अंदर इंजन में चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे इंजन के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने वाटर सेपरेटर प्रदान किया है। ये वाटर सेपरेटर क्या होता है, जैसे कि इसमें इस रिंग की खासियत है कि ये डीजल में जो है वो पूरी डूबी रहती है और जैसे ही इसमें पानी आता है तो ये पानी के ऊपर तैरने लगती है, ये इसका विशेष गुण है। तो ये क्या होता है कि जैसे ऊपर आएगी हमें पता चल जाएगा कि नीचे का जो हिस्सा तली में है उसमें वाटर है पूरा, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और पानी को जो है पूरी तरह से ड्रेन कर देंगे। उसके अलावा हमारी कंपनी ने ज़्यादातर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो यहाँ से आपको पूरी तरह से शेप हो गया इंजन, दूसरा अगर बचा कुचा भी मान लीजिए कोई ऐसा वर्टिकल्स रहता है तो यहाँ पे एक हमने और ये दिया हुआ है, ये भी वाटर सेपरेटर ही है पर इसे हम हर दिन नहीं करना है, इसे हम वीक में एक बार अपने अनुसार इसको एक ड्रेन कर सकते हैं। लिखा भी है वीक में एक बार करना है, इस चीज़ का मतलब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं और ये पूरी तरह से आपको मेंटेनेंस फ्री बनाता है आपके इंजन को, जो सालों साल तक आपको बड़े आराम से और बिना किसी मेंटेनेंस के चलता रहता है। तो ये हुई अपने इंजन के बाद जो काफ़ी इस श्रेणी में मजबूत भी है और लो मेंटेनेंस भी है। ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं आपको कि ये क्लासिक सीरीज में आता है फॉर्म ट्रैक का। तो क्लासिक सीरीज का हमारा मतलब ये रहता है कि अंदर से मॉडर्न बाहर से क्लासिक। ठीक है, हाँ, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्लच दिया गया है, ये क्लच जो होता है ये हमारे सिंगल पीस यूनिट के लिए क्लच दिया हुआ है यहाँ पे, और क्लच इसको हम अपने एयरप्लेन को रिमूव करते हैं। एयरप्लेन को रिमूव करने के बाद इस क्लच को जो है हम बड़े आसानी से थोड़ा सा इसको पुश करते हैं और बहुत ही आसानी से ये इसमें दोनों साइड गैस फिल्ड स्टड लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं जैसे कारों में सिस्टम होता है कि दोनों साइड गैस फिल्ड स्टड लगे हुए होते हैं, आप देख सकते हैं इधर भी लगा हुआ है इधर भी लगा हुआ है। अन्य कंपनीज में कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि सिंगल लगा देती है और सेंटर से लगा देते हैं, हमने इसमें दोनों रखने का एकमात्र कारण है कि मान लीजिए इनकेस अगर कभी ऐसा होता है फील्ड का काम है ट्रैक्टर का काम है इनकेस कभी एक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और आपका काम रुकेगा नहीं, और दूसरा जो है हम तब तक उसको पूरी तरह से रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई देखा जाए तो किसानों के लिए, छोटी छोटी बातों का कंपनी ने ध्यान रखा है। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं कुछ, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं पूरा ये जो हाउसिंग है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कास्ट आयरन की जो इंजन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक्सल के ऊपर रखी हुई है, इसका फायदा ये है कि ये पूरे 110 kg का हब है। पहले हमारी कंपनी जो है नॉर्मली ये बम्पर जो आप सामने से देख रहे हैं ये नहीं आता था, हम ऐसे ही ट्रैक्टर प्रोवाइड करते थे, उसमें अलग से बम्पर लगाया जाता था एज पर रिकमेंडेशन जैसे कि कस्टमर चाहते थे, पर हमने इसको थोड़ा सा और अपग्रेड किया और इससे क्या होता था कि सामने के ट्रैक्टर से जुड़ने की समस्या आती, जैसे भारी सामान लेकर ट्रॉली चला रहे हैं लेकिन ट्रॉली में चला रहे थे कभी कभी क्या होता था लिफ्टिंग की समस्या आ जाती थी फ्रंट लिफ्टिंग में, तो उसको रिमूव करने के लिए एक तो पहले से ही था कभी हमारे ट्रैक्टर में ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी, फिर हमने और थोड़ा सा अपग्रेड किया और इसमें 95 kg का एक बम्पर भी ऐड कर दिया और ये कंपनी फिटेड है जो आपको देखने में भी काफी बेहतरीन लग रहा होगा और ये पूरा रोबस्ट है, मतलब ये अंदर से अगर हम बात करें तो हॉलो नहीं है, ये पूरा रोबस्ट है और काफी हैवी जो है, सामने से टो भी प्रोवाइड करवाते हैं ये आगे से कभी मान लीजिए खींचने वगैरह की आवश्यकता पड़े तो आपको मतलब ये कुछ अनेक से इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आज इसको इजीली कर सकें। बिल्कुल, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ना जो आप पावर स्टीयरिंग की थोड़े से कुछ इसकी विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा, इसमें आप देख रहे हैं कि इधर जो पावर स्टीयरिंग के जैक लगा हुआ है सिलेंडर लगा हुआ है, अन्य ट्रैक्टर में एक ही साइड आपने देखा हुआ होगा कुछ ऐसा दिखा होगा और कुछ मैं ये नहीं कहूँ केवल हमारी कंपनी में आता है, पर इसमें ये स्पेशल है कि आपको एक ही सिलेंडर में दोनों साइड जो है आपको सिलेंडर मिलते हैं, एक तो इधर आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़, हम आपको इधर भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे भी वही सेम लगा हुआ है सिलेंडर, जिससे क्या होता है कि हम यहाँ से कोई हमने रॉड वगैरह नहीं प्रोवाइड की है कि नीचे से कुछ हमने ऐसा सीरीज इस्तेमाल किया, दोनों साइड ये डबल एक्चुएटिंग कहलाता है कि दोनों साइड जो है बराबर स्टीयर
होगा। उसका फायदा ये है कि किसानों के लिए जो टायर आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, एक साइड ज़्यादा खाने लगता है, उसे क्या हो जाती है फिर डीजल की कंजप्शन भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होगा कि जो चारों टायर की लाइफ होगी वो इक्वल होगी और जो है टायर की जो खपत होगी वो भी काफ़ी कम हद तक होगी, ये उसका इसका बेनिफिट हो जाता है ना। तो मतलब ये देखा जाए कि छोटी छोटी चीज़ें जो कंपनी ने इस्तेमाल की जिसमें किसानों के लिए बेहतर क्या हम दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ उसमें दी गई हैं। अब यहाँ आपको सामने से हम आपको दिखाएंगे, अभी इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, सॉरी मैं कुछ और अंदर चीज़ें दिख रही हैं उनको भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे हमने ऑयल का सेपरेट टैंक दिया हुआ है, ये सेपरेट टैंक क्या होता है केवल ये पावर स्टीयरिंग के लिए ही ऑयल सप्लाई करता है। अंदर के इसके सारे पार्ट्स देख लिए हैं, अब इसके थोड़ा बाहरी चीज़ें और देख लेते हैं सर थोड़ा सबको। जी धन्यवाद ललित जी। इसमें सामने से जैसा हम देख रहे हैं कि गाड़ी काफ़ी बेहतरीन लग रही है, सामने हमने फॉर्म ट्रैक का ये क्रोम बेजल भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी थोड़ा सा शानदार लुकिंग प्रोवाइड करता है ना। अब इधर हम आ जाते हैं, अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, यहाँ पे हॉट प्लेट लगी हुई है जो कि साइलेंसर इनकेस हमारे किसान लोग कभी ये गर्म ना हो, इसमें हाथ वगैरह लग जाता है कभी कभी तो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, इसके लिए हमने ये प्लेट प्रोवाइड की है ताकि ऐसी कोई दिक्कतें ना आने पाए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हम देखिए डबल पंप प्रोवाइड करते हैं जो एक पूरी तरह से पावर स्टीयरिंग के लिए काम करेगा और एक पूरा हाइड्रोलिक के काम करेगा जो कि आपको हाइड्रोलिक के काम में भी काफ़ी अच्छी उपयोगी। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस ट्रैक्टर में थोड़ा सा आपको फिल्ट्रेशन का ये फिल्टर जो लगे हैं वाइट कलर के लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है। हमने पूरे मॉडल में आपने देखा होगा कि सारे जगह जो है ब्लू है और यहाँ पे वाइट कलर का फिल्टर लगा हुआ है। इसका एकमात्र मतलब ये है इंडिकेशन है कि हमारे ट्रैक्टर में जो सुपर फिल्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। सुपर फिल्ट्रेशन सिस्टम इन द केस ये कह सकते हैं कि जैसे सारे ट्रैक्टर में जो होता है 250 घंटे की सर्विस अंतराल होती है या 300 की घंटे की सर्विस अंतराल होती है, ये हमारा जो ट्रैक्टर है इसमें आपको 500 घंटे की जो सर्विस अंतराल होती है इसमें क्या करना पड़ेगा, जब दूसरे ट्रैक्टर में आप दो बार करवाएंगे इसमें मात्र एक ही बार करवाना पड़ेगा। उसमें से देख सकते हैं कि किसानों को जो है पैसों की भी बचत हो रही है। जैसे आज अगर सर्विस की मैं बात करूँ तो 4,500-5,000 एक सर्विस में लगते हैं, तो अगर दो एक सर्विस की हम बचत करें तो डेफिनेटली हम एक सर्विस के पैसे पूरे 5,000 बचा रहे हैं, और अगर 1,000 घंटे जलाते हैं तो सीधा सीधा हम 10,000 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया बचत हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया बचत की बात से मुझे और एक चीज़ ट्रैक्टर की ध्यान याद आई कि इसमें जो मैंने बताया कि काफ़ी हैवी इंजन लगा हुआ है 3510 cc का, तो 3510 cc का इंजन होने के कारण क्या होता है कि हमारे ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता है। अब लोड ना पड़ने के कारण क्या होता है कि डीजल की जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है अन्य ट्रैक्टर की तुलना में। अगर 55 HP की श्रेणी में आप बात करें तो अन्य ट्रैक्टर की तुलना में ये आपको कम से कम नहीं तो आधे लीटर की बचत देगी। अगर मैं कहता हूँ कि आज डीजल की महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई होने के कारण अगर हमें आधा लीटर की भी बचत देती है तो ये सीधा सीधा जो है हम 50 रुपये देख रहे हैं कि 50 रुपये प्रति घंटे बचा रहा है, 50 रुपये प्रति घंटे बचा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बचत है आज के समय में हम यदि देखें तो, है ना। अब आगे बात करते हैं, आपको गाड़ी में देखिए किसानों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हम आराम से यहाँ पर हैंडल का इस्तेमाल करके और यहाँ से आराम से गाड़ी में ऊपर चढ़ सकते हैं। ठीक है, बैठने के लिए अरेंजमेंट जो है 5-way एडजस्टेबल सीट हम देते हैं जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे और आपकी वजन के हिसाब से यहाँ पीछे से एडजस्ट कर सकते हैं। आप पीछे बैक साइड पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब कि सीट में हमें टिकने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा, बैक पेन की प्रॉब्लम जो हो जाती है लंबे समय तक किसान काम करते हैं हमारे किसान भाई, तो इसमें क्या होगा कि पेन की भी समस्या नहीं आएगी और जहाँ पे हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं और हमें थकान भी महसूस नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टीयरिंग है हमारा पूरा कारों वाला स्टीयरिंग दिया हुआ है जो कि हमें और भी अच्छा सुविधाजनक हो जाता है। जैसे पावर स्टीयरिंग तो है ही, साथ ही साथ ये छोटी स्टीयरिंग दिया गया है जिससे हमें चलाने में भी काफ़ी आसानी होती है ना। अब ये चीज़ें मैंने बताई, इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे ये लो गियर हाई गियर का हो गया। यहाँ पे जैसे इसमें 10+2 है, सॉरी 8+2 है, तो 8+2 में क्या होता है कि दो पीछे के गियर और 8 आगे के गियर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल से भी ट्रैक्टर में जैसा दिया गया वैसा ही हमने प्रदान किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा है पीटीओ लीवर है, पीटीओ लीवर जो है इसमें हमने दो टाइप के पीटीओ प्रोवाइड किए हैं, इसको हम MR PTO कहते हैं, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ। इसमें आप जैसे इस लीवर को हम आगे कर देते हैं तो सभी ट्रैक्टर में जैसे 540 का लाइव पीटीओ होता है वो हम आपको इसमें प्रदान करते हैं, फिर इसी लीवर से आप इसको पीछे अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये मल्टी स्पीड मतलब आपके ट्रांसमिशन गियर से कनेक्ट हो जाता है। ट्रांसमिशन गियर से कनेक्ट होने में फ़ायदा ये है कि हमें जैसे पीटीओ की जैसी स्पीड चाहिए होती है उस टाइम पे ट्रैक्टर जो है आपका स्टेशनरी हो जाएगा और ये ट्रांसमिशन गियर के अकॉर्डिंग हम उसमें रफ्तार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम जैसे थ्रेशर चलाते हैं तो उसमें जैसे हमें क्या होता है कि पुल्ली चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए, तो उस टाइम पर क्या हम पुल्ली चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बैठे बैठे अपने गियर से ही जो है स्पीड का वेरिएशन प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमें एक नंबर में अच्छी स्पीड प्राप्त हो रही है या 4 नंबर में प्राप्त हो रही है एज पर सुविधाजनक जैसा हमारे किसान चाहे। तो बैठे बैठे इसे एक तो टाइम की बचत होगी, दूसरा मान लीजिए ट्रैक्टर में हमारे थ्रेशर वगैरह में कुछ फंस जाता है ऐसा जिसे हमें हाथों से निकालने की आवश्यकता पड़ती है जिससे हार्मफुल भी हो सकता है, दूसरा टाइम भी कंज्यूम होता है, तो हम इसमें बैठे बैठे जो है रिवर्स गियर में कनेक्ट कर देंगे तो वही पीडियो जो है वो आपका रिवर्स घूमने लगेगा जिससे सारी जो डिफिकल्टीज है वो बाहर निकल जाएंगे और हमारा बहुत ही काम जो है आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे
और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि हम लाइव वीडियो बस प्रोवाइड करवाते हैं, तो लाइव वीडियो यदि हम उसी में चलाते हैं कोई ऐसे काम जैसे हमें आर्मेचर चलाना हुआ या पंप चलाना हुआ, उस समय हमें क्या होता है ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती होती है, ज़्यादा रोटेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास केवल एक वीडियो है लाइव वीडियो है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और उसी से चलाएंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि हमारा डीजल कंजप्शन बढ़ जाएगा और गाड़ी हमारी बड़ी है तो थोड़ा सा एज कम्पेयर छोटी गाड़ियों से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेगी। पर अब यहीं पर अगर हमारे पास मल्टी स्पीड वीडियो है तो हम इसको क्या करते हैं, 4 नंबर में हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर बैठे बैठे क्या हुआ इसका रेंज भी हमने कम कर दिया, तो ट्रैक्टर को ताकत भी कम लग रही है और रोटेशन जो है हमको फास्ट मिल रहे हैं, तो उससे डीजल कंजप्शन बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब जितना आपके छोटे ट्रैक्टर खाते हैं उससे भी कम खाएगा। और बड़े ट्रैक्टर होने के बाद भी हम छोटा काम भी कर सकते हैं और बड़े भी काम कर सकते हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है ना। तो ये मैंने आपको बताया। अब आइए मैं आपको क्लच के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्या विशेष है थोड़ा सा। देखिए डबल क्लच तो सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, सॉरी ड्यूअल क्लच प्रोवाइड करवाती हैं, हमारे इसमें भी कंपनी ने ड्यूअल क्लच प्रोवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ये स्टॉपर लगा हुआ है, ये स्टॉपर का काम ये है कि जैसे हमें आवश्यकता अगर ड्यूअल क्लच की पड़ती है तो हम इसको ड्यूअल में इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगल क्लच की आवश्यकता पड़ती है तो हम सिंगल के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी ये बाहर साइड ये नट लगा हुआ है स्टॉपर, तो इसको अभी हम सिंगल क्लच में इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम वो एक्स्ट्रा रीपर चलाते हैं या फिर मान लीजिए रोटावेटर चलाते हैं, उस टाइम पर हमें पी टी रोकने की आवश्यकता पड़ती है तो हम डबल क्लच का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम टाइट कर देंगे और ये डबल क्लच में काम करने लगेगा। तो ये बढ़िया है कि अगर हमें आवश्यकता है तो ही हम डबल का इस्तेमाल करेंगे, अगर आवश्यकता नहीं है तो हम सिंगल में ही काम चला लेंगे। उससे क्या होगी कि आपकी क्लच प्लेट जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ होगी और ड्यूरेबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है या बेहतरीन हो जाता है। अब देख सकते हैं आप गाड़ी काफ़ी हैवी सामने से दिख रही है, इसमें जो है हम 16 और 28 के टायर प्रदान करते हैं जो कि गाड़ी को काफ़ी अच्छी खेतों में पकड़ के साथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाती है। सामने के हमने 7/50 16 के टायर दिए हुए हैं और पीछे के जो है 16 और 28 के टायर दिए हुए हैं। अब इस ट्रैक्टर में आप देख रहे होंगे कि एक हमने स्टीफन प्लेट प्रोवाइड की हुई है, ये स्टीफन प्लेट मतलब ये है कि आपके जो रिम में हम नट बोल्ट टाइट करते हैं तो उस टाइम पर हमारे रिम को किसी प्रकार से हार्मफुल ना हो या ज़्यादा अच्छे से एक पकड़ बनाने के लिए हमने एक स्टीफन प्लेट भी प्रोवाइड करवाई है। अपने सारे ट्रैक्टर में हमने इसे प्रदान किया है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो फेंडर है काफ़ी हैवी है, 3 सपोर्ट के साथ हमने दिया है, जैसे कुछ ट्रैक्टर में 2 सपोर्ट ही नॉर्मली प्रोवाइड करवाते हैं, हमने 3 सपोर्ट यहाँ पे दिए हैं जो कि काफ़ी हैवी जो है फेंडर के लिए। साथ ही साथ हमने रेल फेंडर भी प्रोवाइड किया हुआ है कंपनी फिटेड जो कि काफ़ी स्टाइलिश भी है। अब आइए हम कुछ आपको ट्रैक्टर के पीछे से बताना चालू करेंगे, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा कंपनी का हम जो 5 साल की वारंटी देते हैं या 5,000 घंटे की वारंटी देते हैं, इसमें हम आपको इंजन हो गया, गियरबॉक्स हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, ये तीनों ही चीज़ें जो ट्रैक्टर की मेजर होती हैं उन चीज़ों को हम कवर करते हैं। अब इसमें क्या है आप ये देख रहे हैं लोअर लिंक जो लगी हुई है, लोअर लिंक में हम स्टे जो देते हैं तो ये बॉक्स टाइप का देते हैं, तो इसमें क्या होता है ये स्टेबलाइजर हम बॉक्स टाइप का प्रदान करते हैं जिससे आपका क्या होता है कि स्टेबिलिटी इसको 3 पॉइंट लिंकेज को ज़्यादा अच्छी मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं ये 3 पॉइंट लिंकेज जो है इसमें टायर में आपके टकराने लगते हैं जिससे कभी कभी दिक्कतें भी आ सकती हैं। अब वो पहले चैन टाइप का आता है, अब इसमें हमने बॉक्स टाइप का दे दिया है जो इसको ज़्यादा अच्छी स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी हिचिंग पॉइंट यहाँ पे है जो कि आपको ट्रॉली के लिए जो है आप इसमें जो है काफ़ी सारे होल प्रोवाइड किए गए हैं। आप अगर ट्रॉली मान लीजिए कि छोटी है हमारी ट्रॉली उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारी मीडियम ट्रॉली है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैवी ट्रॉली उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो है हमने इसके लिए कल्टीवेटर वगैरह इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे प्राइमरी इम्प्लीमेंट्स होते हैं कल्टीवेटर हो गया प्लाऊ हो गया उसके लिए हमने यहाँ पर 3 होल प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मिट्टी की कंडीशन है उसके हिसाब से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो हम ये जो अपना टॉप लिंक है इसको सबसे नीचे वाले में सेट करेंगे तो ये हार्डनेस मिट्टी का होने के कारण फिर ये काफ़ी अच्छा उस हिसाब से सेंस करता है। और फिर अगर मान लीजिए मिट्टी थोड़ा सॉफ्ट है या मीडियम मिट्टी है तो हम इसमें बीच वाले होल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ज़्यादा सेंसिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम ये ऊपर वाले में इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी छोटी से छोटी बारीक सेंस को भी वो सेंस करेगा। जैसे मान लीजिए कोई नीचे अड़चन आ जाती है कोई पत्थर फंस जाता है या जड़ फंस जाती है तो हमारा वहीं से कल्टीवेटर थोड़ा ऊपर आएगा और देन वहीं से चालू कर देगा। उससे क्या होगा कि आपके जो खेतों में है कहीं से कहीं तक छूटता नहीं है, बराबर पूरी जो है टिलेज होती है और बहुत अच्छा जो है टिलेज होने के कारण क्या होता है जर्मिनेशन जो होता है हमारे बीजों का वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मतलब इन छोटी छोटी एक एक छोटी छोटी बारीकियों का हमारी कंपनी ने जो है इन सब पे भी काम किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल QRC कपलर दिया हुआ है, जैसे कि हम पल्टी प्लाउ चलाते हैं या फिर मान लीजिए लेजर लेवलर वगैरह चलाते हैं तो हमने यहाँ पे 2 QRC कपलर दिए हैं। आप अपनी इसको सुविधा अनुसार आवश्यकता अनुसार इसको सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हर समय हमें डबल एक्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें ट्रॉली चलाना है तो हम इसमें ट्रॉली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंगल एक्टिंग यहाँ पे हमारी एक नोव हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, इसके पास रहता है ये नोव है। अगर हमें डबल एक्टिंग में करना है तो इसको हम इधर साइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है हमने जो कि हमारे किसान भाई जो है यूज़र मैनुअल का भी इस्तेमाल करके इसे सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये भी काफ़ी एक अच्छी सुविधा होगी हमारे किसान भाइयों के लिए। अब यहाँ पे देखिए
जो हाउसिंग आप पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं तो आपने देखा होगा अन्य ट्रैक्टर में काफ़ी थोड़ा सा पतला होता है, इसका काफ़ी मोटा दिख रहा है, हैवी दिख रहा है, आपके मन में भी थोड़ा कौतूहल टाइप का हो रहा है, मतलब ये इतना मोटा कैसा हो गया। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे रेयर एक्सल में देखा जाए तो इसमें हमने एपिसाइक्लिक रिडक्शन दिया हो, रिडक्शन टेक्नोलॉजी में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रिडक्शन होता है जिसे हम ईपीआई रिडक्शन कहते हैं, एपिसाइक्लिक गियर। तो इसमें एक बड़ा गियर लगा हुआ है, इसमें तीन छोटे छोटे सन गियर लगे हुए हैं, वो उससे काम ये होता है कि जो आपके बाहरी हिस्से से जितना भी लोड हमारे इंजन को या अंदर क्राउन पिनियन को जाता है तो हमारा जो रिडक्शन है यहीं पर पूरे लोड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों साइड। तो इसमें क्या हो गया कि वो लोड जो है तीन भागों में बढ़ जाता है, तीन भागों में बढ़ने के कारण एक नॉर्मल सा लोड जो है हमारे क्राउन पिनियन को जाता है और क्राउन पिनियन से होते हुए इंजन को जाता है। तो जब हैवी काम करते हैं, जाहिर सी बात है ये बड़ा ट्रैक्टर है तो हैवी काम के लिए हमारे किसान भाई इस्तेमाल करेंगे, तो अंदर जब लोड जाता है एक नॉर्मल लोड जाता है, मतलब कि लोडेड कंडीशन में भी हमारा जो ट्रैक्टर की डीजल खपत है वो कम ही रहेगी। ये मतलब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप कह सकते हैं। जैसे कि अन्य ट्रैक्टर में लोड बढ़ा, डीजल कंजप्शन भी बढ़ जाती है, हमें आरपीएम भी बढ़ाने पड़ जाते हैं, अब इसमें लोड ही नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है डीजल कंजप्शन भी कम होगा और रेटेड आरपीएम जो है हमारा मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हद तक डीजल, मैंने आपको जो पहले बताया कि आधे लीटर या एक लीटर की बचत करता है, वो इन्हीं सब कारण और इन्हीं टेक्नोलॉजी के कारण जो है ये बचत कर। मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए गाँव में एक कहावत होती है कि ज़्यादा गुड़ डालो तो ज़्यादा मीठा होता है, तो इसमें मैं कहता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ कह सकते इस्तेमाल किया गया है, लागत भी थोड़ी सी ज़्यादा है, हो सकता है किसान भाइयों की शुरुआत में थोड़ी सी 10-50 हज़ार ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं इस ट्रैक्टर भी अच्छी है। हाँ, पर ये है कि लंबे समय तक अगर देखें तो उनको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, और हमारा पूरा उम्मीद है कि हम जो ये 55 HP श्रेणी में हम लॉन्च कर रहे हैं हमारे नरसिंहपुर क्षेत्र के किसानों को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पे हायर HP का मार्केट मैं देख रहा हूँ कि है तो ये बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाला है। तो एक सवाल और है मेरा आपसे कि ये इसके बारे में ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए, पहली बार मुझे देखने को मिला इस कारण मैंने पूछा। हाँ, ये देखिए एक्चुअली में ललित जी होता सभी ट्रैक्टर में है, ये क्या होता है सेंस करता है, ये हाइड्रोलिक को सेंस करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा आपने ये रबड़ देखा हुआ है, रबड़ जब देखता है आदमी तो रबड़ इस टाइप के रबड़ मतलब एक एज ए स्प्रिंग क्रिएट करता है माइंड में, तो ये एज ए स्प्रिंग की तरह ही मतलब ये दबता है, जिस टाइप अगर इस टाइप का आपको रबड़ देखने को मिल जाए मतलब वो कहीं ना कहीं चीज़ जो है अंदर दबती है, तो जब ये टॉप लिंक पे लोड पड़ता है तो ये क्या होता है हल्का सा दबता है, जैसे ही ये दबता है तो ये थ्री पॉइंट लिंकेज ऊपर आ जाता है, तो इसी को मैंने बोला कि इसकी जो सेंसिंग है वो बहुत अच्छी सेंस है, छोटे से छोटा सेंस भी ये सेंस कर लेता है, तो ये क्या होता है अंदर जैसे लिफ्ट को वो ये दबा और ये उठा ऐसा होता है, थोड़ा इसका टाइप अलग है इसका, बिल्कुल में दूसरा है। हाँ बिल्कुल, कुछ कंपनियों में क्या होता है कि ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है यही चीज़ सेम नीचे से होती है, अगर नीचे की मैं बात करूँ तो ये जो तीन आपको मैंने होल दिखाए हैं अगर इसका लिंकेज नीचे से होता तो सबसे सॉफ्ट सॉइल के लिए हम नीचे वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर इसका जो कनेक्टिंग है सबसे ऊपर है तो ये सबसे ज़्यादा ऊपर सेंस करेगा, इसलिए हम यहाँ पे मैंने बोला कि अगर सॉफ्ट मिट्टी है तो हम सबसे ऊपर वाले होल का इस्तेमाल करेंगे। ये रहे सारे फीचर्स सर ने हमें बता ही दिए हैं, और यहाँ पे प्लाउ लैंप भी हमने दिया है, जिसे रात के समय में हमारे किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नंबर प्लेट्स वगैरह की भी व्यवस्था की है, आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छा एक चीज़ में और स्टाइलिश फीचर्स दिखाऊंगा जो कि काफ़ी गाड़ी को मतलब स्टाइलिश बनाता है, जिसमें हम चारों साइड आपको LED लाइट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रैक्टर की खूबसूरती को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, मतलब रात के समय एक तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, मतलब विजिबिलिटी मतलब इसे LED की तो मैं नहीं कहूँगा, पर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने हमारे ट्रैक्टर में साइड साइड में क्या मैं थोड़ा सामने साइड और देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि जैसे उधर हमारे लाइट्स जल रहे हैं LED, और हमारे जो सामने के हैलोजन लैंप दिए गए हैं इनके साइड साइड में भी हमने LED प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ। और बीच में एक हैलोजन लैंप भी प्रोवाइड किया है, तो रात के समय भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रदान करते हैं किसानों को, और आपको ट्रैक्टर के फीचर्स काफ़ी अच्छे पसंद आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को भी काफ़ी अच्छे फीचर्स लगेंगे। 55 HP की श्रेणी में हमारी कंपनी जो है काफ़ी हद तक कोशिश की है कि हमारा ट्रैक्टर जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। धन्यवाद ललित जी, और कोई आपके प्रश्न वगैरह हो तो आप हमसे और पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपने उसमें कवर करना भूल गया था कि सामने जो हमारा एयर क्लीनर दिया गया है ये 3-स्टेज ऑयल वाट टाइप का बेट एयर क्लीनर है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, और आपके मन में यदि कुछ और भी इस ट्रैक्टर के बारे में जानने की इच्छा हो तो आप बता सकते हैं। मेरा ये सवाल है इसका फ्यूल टैंक कितने लीटर का? इसमें 55 लीटर का हम फ्यूल टैंक प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जो पीछे लिफ्ट रहती है उसमें लगभग कितना? उसमें 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है जो कि हम कह सकते हैं कि 55 HP की श्रेणी में काफ़ी बेहतर है। अब सबसे जरूरी सवाल और आखिरी सवाल जो कि सबसे ज़्यादा उठ के आता है, इसकी प्राइस क्या है? सर देखिए, प्राइस के लिए हम यही कहेंगे कि हमारे किसान भाई जो हैं वो हमारे डीलरशिप पे आएँ और वहाँ से हमारे डीलर साहब से बातचीत करें, और निश्चित रूप है कि जो 55 HP की श्रेणी में जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उन्हीं के आसपास ये हमारा ट्रैक्टर जो है किसान भाइयों को मिलेगा। तो लगभग इसकी नॉर्मल स्टार्टिंग प्राइस वो हमें आप क्लियर करेंगे थोड़ा? सर देखिए, मैं प्राइस के लिए तो यही कहूँगा
कि ये जो ट्रैक्टर है ये लगभग 8.5 लाख के करीब आएगा। और फिर हम जैसे ऑफ़र होते हैं, कुछ ऑफर्स भी हमारे कंपनी में आते रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर कुछ रहता है तो हम किसान भाइयों को वो भी देंगे। तो वो निश्चित, इसलिए हमने कहा कि हम अगर प्राइस की बात ना करें पहले तो वो बेहतर होगा। हमारे किसान भाई आएंगे, हम उनको बेहतर रेट पे, किसान को जो उस टाइम पे होगा बेहतर ऑफर वो हम देंगे। ठीक है। और हमारे वीडियोस में आपने लगभग सभी वीडियो में देखा होगा था, लास्ट में हम सवाल ये पूछते हैं, अगर कोई किसान हमारी वीडियो देख के सर लोग के पास आता है तो उसके लिए क्या छूट रहेगी? सबसे जटिल समस्या है ये। अब सर ये देखिए, आपका एक पर्सनल क्वेश्चन हो गया है, तो इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। यही कहूँगा कि बढ़िया है आपका इसी प्रकार से ऐड बढ़ता रहे, और इससे हम लोग को भी काफ़ी हेल्प मिलता है और बहुत अच्छा है। हम आगे भी विश करेंगे कि आप लोग ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं हमारे किसानों हमारे ग्राहकों तक पहुँचाते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।